साथियों, भारत के विकास में, विशेष तौर पर ग्रामीण विकास में टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को हमें और व्यापक बनाना है। आने वाला दशक भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस के लिए एक डिसाइसिव समय होने वाला है। विशेष तौर पर कॉस्ट इफेक्टिव एग्रीकल्चर और फार्म टू कंज्यूमर के बीच के सप्लाई चेन नेटवर्क को लेकर अभूतपूर्व संभावनाएं टेक्नोलॉजी लाने वाली है। इसका सीधा लाभ गांव को होने वाला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होने वाला है। आप सभी को ये भी जानकारी है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। इस अभियान की ताकत भी टेक्नोलॉजी है। अब यह आपका दायित्व है कि पानी की रिसाइकलिंग और रीयूज के लिए प्रभावी और सस्ती टेक्नोलॉजी कैसे विकसित करें। एक प्रकार से वाटर गवर्नेंस आपके लिए एक नया फ्रंटियर है। घर के भीतर से निकलने वाले पानी को खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग कर पाए, इसके लिए सस्ता और प्रभावी समाधान आपको तैयार करना है। हमें ऐसे बीज भी तैयार करने होंगे जो पोषण से भी भरपूर हो और पानी का उपयोग कम करें। देश भर में जो सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, उस डेटा का उपयोग रोजाना की खेतीबाड़ी के काम में कैसे हो, इस पर भी नए सिरे से विचार करना होगा। सबसे अहम ये कि सप्लाई चेन में जो नुकसान हमारे किसानों को होता है, उससे बचाने के लिए तकनीकी समाधान बहुत ही जरूरी है।